7 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या, पितृदोष दूर करने के ये हैं 6 अचूक उपाय। शुक्रवार 7 तारीख को मार्गशीर्ष अमावस्या आ रही है। इस माह को कृष्ण भक्ति की जाती है। इस माह में कृष्ण पूजा के साथ साथ विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। इस माह में कृष्ण पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को करने से लाभ साबित होता है। इस माह में कृष्ण की पूजा करने से शुभ फल मिलता है। पौराणिक शास्त्रों में माना जाता है कि इस अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पूजा करने से व स्नान करने व स्नान दान का विशेष माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध दही से अभिषेक कर उन्हें काले तिले अर्पित करने का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ में कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें और पितृ सूक्त का पाठ करें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन दक्षिणाभिमुख होकर पितृ तर्पण करना व पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करें व ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा देकर पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन विष्णु के मंदिर में पीले रंग का झंडा अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन से सारे कष्ट का अंत होता है।